सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। उड़ने में कोई बुराई नहीं है, आप भी उड़ सकते हैं, लेकिन उतना ही जहाँ से जमीन साफ दिखाई देती हो। पेड़ के नीचे रखी भगवान की टूटी मूर्ति को देखकर समझ आया कि परिस्थितियाँ चाहे कैसी भी हो पर कभी खुद को टूटने नहीं देना, वरना ये दुनिया जब टूटने पर भगवान को घर से निकाल सकती है तो फिर हमारी तो औकात ही क्या है। आज का पंचांग 20 सितंबर 2021 दिन सोमवार, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष के पूर्णिमा तिथि, सुबह 5:24 तक रहेगी। इसके उपरांत प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो जाएगी। पूर्व भाद्रपदा नामक नक्षत्र सुबह 4:02 तक रहेगी। इसके उपरांत उत्तर भाद्रपदा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 7:48 से 9:19 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:56 से 12:44 तक रहेगा। आज चंद्रमा कुंभ राशि पर रात्रि 9:51 तक रहेगी। इसके उपरांत मीन राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य कन्या राशि पर रहेंगी। मेष राशि 20 सितंबर 2021 दिन सोमवार, अगर आपको खुद पर संदेह हो रहा है तो इसे दूर करने के लिए अपने परिवार के साथ रहें। जिस प्रोजेक्टों को आप शुरू करने वाले हैं वह आपके आर्थिक फायदे का कारण बनेगा। आज अपने प्रियजनों के साथ भोजन करें, आज कानूनी परेशानियों से छुटकारा पाने का सबसे अच्छा समय है। जीवन के हर तरह के संघर्ष से मुक्ति मिलेगी। परिवर्तन जीवन का सार है, इसीलिए लचीला बने। जब बात रोमांस की आती है तो अपेक्षाएं अधिक होगी। मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों न हो, बस रास्ते हमेशा पैरों के नीचे ही होते हैं। आज आप अपनी कार्य कुशलता के दम पर कई कार्य बेहतरीन तरीके से पूरे कर पाएंगे। इस समय अपनी सोच पूरी तरह व्यवहारिक रखें। शेयर मार्केट और रिस्क संबंधित कार्यों में लाभदायक अवसर प्राप्त होंगे। आपके संयम का उचित फल आज आपको प्राप्त होगा। पैसों की आवक अचानक बढ़ने की वजह से जीवन शैली में बड़ा बदलाव नजर आएगा। मित्रों के साथ की संवाद भी सुधरने लगेंगे। खुद के द्वारा खुद की समस्याओं का हल योग्य तरीके से प्राप्त होने की वजह से आप लोगों के जीवन से संबंधित समस्याओं को भी हल करने की कोशिश करेंगे। करियर में आ रहे बदलाव शुरुआत में तनाव महसूस करा सकते हैं, लेकिन जल्दी आप परिस्थिति को अपना कर काम के प्रति फोकस बढ़ा पाएंगे। लव रिलेशनशिप या विवाह से संबंधित बातें आगे न बढ़ने की वजह से थोड़ी चिंता महसूस होगी, लेकिन नकारात्मकता भी आपकी बनी रहेगी। सावधानियां, अफवाह पर बिल्कुल ध्यान न दें। कुछ लोग जलन की भावना से आपके प्रति परेशानियां बढ़ा सकते हैं। पड़ोसी के साथ वाद विवाद जैसी स्थिति बन सकती है। अपने गुस्से पर नियंत्रण रखना जरूरी है। बात करते हैं लव लाइफ की। आपका पूरा ध्यान आज अपनी बैंक बैलेंस, गहनों और अन्य कीमती सामान पर होगा। जीवन की जिम्मेदारियों में अपने प्यार का ध्यान रखना ना भूलें। अगर आपके निजी या व्यावसायिक जीवन में किसी भी तरह का मतभेद है तो उससे छुटकारा पाने के लिए आज अच्छा दिन है। नई चीजें आपको आकर्षित करेगी और आप नए बदलावों का आनंद लेंगे। आपका पार्टनर अधिक प्यार व ध्यान की उम्मीद रखता है। आप भी अपनी मोहब्बत से उन्हें पूरी तरह से संतुष्ट करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगी। बात करते हैं करियर की। आपके दिमाग में आज केवल धन, कीमती सामान और आभूषण है, लेकिन धन पाने के लिए आज कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। धन ही जीवन में सब कुछ नहीं है। परिवार और अपनी पार्टनर पर भी ध्यान दें। पिता के लिए समय संकट भरा और मुश्किल हो सकता है। आपने एक कहावत तो सुनी ही होगी, जब लोहा गर्म हो तो हथौड़ा मार देना चाहिए।
तो अब समय है काम करने का। व्यक्तिगत या पेशेवर मतभेदों को आज हल करें। बदलाव जीवन का सत्य है, इसीलिए इसके लिए हमेशा तैयार रहें। याद रखें, उपलब्धियों के लिए उच्च उम्मीदों के साथ साथ बड़े परिश्रम को भी अपना हथियार बनाएं। बात करते हैं सेहत की। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, लेकिन अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित बनाकर ही रखें, लापरवाही ना बरतें। आयुर्वेदिक और नेचुरो थेरेपी के द्वारा पुरानी बीमारी को ठीक किया जा सकता है। आज का उपाय, आज आप शिवलिंग पर जल अर्पित करें, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।